सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को देखने के लिए मिलेगा मंडोला विहार परियोजना से लेकर और खेकड़ा गांव के बीच तक का व्यू। तो आप बने रहिए केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आपको ईस्टर्न पेरिफेरल तक का इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का वीडियो दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो बने रहिए केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो देख सकते हो यहां पर, आपको बता दूं, देखो कितनी लंबी चौड़ी रोड है। अब आपको बता दूं, देखो यहां पर ये डिवाइडर बनाया जाएगा, ये वाला डिवाइडर बना दिया जाएगा। ये देख सकते हो थ्री लाइन इस साइड में, थ्री लाइन उस साइड में, और बाकी का देख सकते हो। और इधर आपको सर्विस लाइन देखने के लिए मिलेगी उस साइड में, वो गाड़ी जा रही है, ठीक है। और ये है खेकड़ा मोड़। और आपको बता दूं कि शायद से यहाँ पे आपको कंफर्म नहीं है, तो देख सकते हो यहाँ से, क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ से ये दिल्ली के लिए ऊपर एलिवेटेड होता चला जाएगा। तो देख सकते हो वो वहाँ पर रैंप बनाया गया है, और रैंप के जो साइड में पैरा फिटबॉल लगाए जाते हैं वो देख सकते हो ये रखे हुए हैं यहाँ पर। और ये मंडोला विहार परियोजना की ये बिल्डिंग से बनी हुई है, टावर ये बने हुए हैं। तस्वीरें आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो दोस्तों। और वो सर्विस लाइन है जो गाड़ियां जा रही हैं उस साइड में, क्योंकि बीच में ये आ जाता है रैंप पे, यहाँ से ये चढ़ जाता है, एलिवेटेड हो जाता है दिल्ली के अंदर अंदर। अब आपको बता दूं, मैं दिल्ली से बाहर हूँ, यानी कि हम उत्तर प्रदेश में हैं अभी इस टाइम पर जिस वीडियो को शूट कर रहा हूँ दोस्तों। ये देख सकते हो तस्वीरें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो, पर डे केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता दोस्तों। तो देख सकते हो ये रैंप के पैरा फिटबॉल रखे हुए जो साइड में लगाए जाते हैं, तो आधा तो आपको बता दो रैंप बन चुका है, आधा लेफ्ट का बचा हुआ अभी इस साइड में, देख सकते हो तस्वीरें। और अभी तो ये जो जितने भी ये इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है, ये खंभे हैं, इनको हटाया जाना है यहाँ से। तस्वीरें देख सकते हो, कुछ ये नज़ारा है यहाँ का। अब चलते हैं आगे, आगे का रैंप दिखाते हैं चल के आपको, आपको खेकड़ा साइड का यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल का। तो आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। तो एंजॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। देखो कुछ ये है नज़ारे यहाँ के, ये देख सकते हो मंडोला विहार के सारे में ही। देखो कितना लंबा चौड़ा आप लोगों को ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे देखने के लिए मिलेगा। देखो आपको बता दूं कि सिक्स लेन का ये एलिवेटेड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने वाला है दोस्तों, देहरादून एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पर आप लोग बोर्ड पर पढ़ सकते हो, चलो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, और जूम करके ये देख सकते हो, आप लोग खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश आवास एंड विकास परिषद मंडोला विहार आवासीय योजना गाज़ियाबाद में आपका स्वागत है। देख सकते हो तस्वीरें दोस्तों, और यहाँ से ये चला जाता है सपना वनखंड सेक्टर 5 आवास योजना। तो ये कुछ नज़ारा है दोस्तों यहाँ का, ये देख लो एक बार व्यू, और दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ से घूमकर, ये देखो। तो चलते हैं आगे अब खेकड़ा की साइड में, और फिर आपको दिखाते हैं तस्वीरें चल के दोस्तों। Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, अभी तो आपने दो देखा था मंडोला विहार परियोजना की साइड का जो रैंप बनाया जा रहा है, आप इधर देख सकते हैं मंडोला गांव की जो तस्वीरें हैं, और ये खेकड़ा के गांव की साइड की देख सकते हो ये रैंप बनाया जा रहा है यहाँ से।
और ये बीच में आपको बता दूं मंडोला विहार जो परियोजना है उसके बीच में ये खाली छोड़ा गया है और दोनों साइडों में रैंप देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, आधे रैंप का इसमें काम हो चुका है, यानी कि लेफ्ट साइड का। जब हम दिल्ली की साइड से और बागपत की साइड में जाएंगे तब देख सकते हो तस्वीरें। और ये पिलर देख सको, यहाँ पर ये पाइलर कर दिया जा चुका है और पाइल करके इसमें आधे पिलर का आपको बता दूं स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा चुका है। दोस्तों देख सकते हो कंक्रीट भी भर दिया जा चुका है। अब यहाँ पर ऐसे है ये पूरे पिलर आगे को बढ़ते चले जाएंगे, मतलब ऊंचे होते चले जाएंगे, क्योंकि इधर अभी कोई वर्क नहीं हुआ है। खेकड़ा गांव की साइड में तस्वीरें देख सकते हो, सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, बस इन पर पियर कैप का काम किया जाना है। और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से पियर कैप को लगाया जा रहा है, उनके विंग्स को ऐड किया जा रहा है पियर कैप में, तो वो सब कुछ आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, मशीनें लगी हुई हैं और यहाँ पर ये पिलर के अंदर कंक्रीट भरने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, क्योंकि आधे पिलर भर के कम्प्लीट हो चुके हैं और आधे पिलर अभी बाकी बचे हुए हैं, तो आगे अभी इन पर सेटिंग लगाई जानी है। सेटिंग लगा के फिर इन पर और भी आगे पिलर को भरा जाएगा। दोस्तों तो तस्वीरें देख सकते हो, कुछ पिलर तो ये पिलर कैप के लिए बचे हुए हैं, कुछ का पिलर कैप बन चुका है। तस्वीरें देख सकते हो, इनका ये पियर कैप बन चुका है। दोस्तों अब इन पर सेटिंग लगाएंगे, सेटिंग लगा के इनको विंग्स को ऐड किया जाएगा दोनों साइडों में, लेफ्ट में भी और राइट में भी। इसको ये पियर कैप के जो विंग्स हैं उनको ऐड किया जाना है, ताकि इनको और भी चौड़ा कर दिया जाएगा। दोस्तों तो इसमें दो तीन तरीके से ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं। एक तो बिल्कुल सरियाओं का जाल बना रहे हैं, लेफ्ट से राइट तक पूरा ही होगा, और दूसरा ये विंग्स को ऐड किया जाएगा लेफ्ट और राइट में, तब ये पियर कैप बनाया जाएगा। दोस्तों तो इस तरीके से वर्क चल रहा है। तो आप लोग बताना कि केपी संत के चैनल पर आकर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों, और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है नहीं लगती है। देख सकते हो ये जो गांव है उसमें ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, तो उसी का इसमें आधे मकान तोड़ दिए जा चुके हैं। दोस्तों वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रही है गाँव वालों को, क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट बसा हुआ था रोड के किनारे, तो रोड के किनारे पर जो घर आ रहे थे वो तोड़े जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, अपनी आंखों से देख सकते हो दोस्तों। तो यही सीन है यहाँ का, और ये है खेकड़ा गांव दोस्तों, और खेकड़ा गांव में देख सकते हो ये आधे घरों को तोड़ दिया जा चुका है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है और ड्रेनेज सिस्टम के बीच में ही ये घर आ रहे थे, तो इसीलिए उन्हें तोड़कर हटा दिया जा चुका है, ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों देख सकते हो आधे घर टूट चुके हैं यहाँ के, क्योंकि देख सकते हो ये आधा घर बिल्कुल टूट गया, ये बिल्कुल यहाँ तक आ रहा था जहाँ ये खंभे लगे हुए हैं लाइट के बिजली के, यहाँ तक ये घर आ रहे, तो देखो कैसे किस तरीके से तोड़े गए हैं। ऑब्जेक्शन उठाया गया फिर भी काम नहीं रुका, भाई देखो सरकारी काम है तो वो कहाँ रुकने वाला है, वो तो नहीं रुकेगा बिल्कुल भी। इसीलिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम में इस एक्सप्रेस वे को बिल्कुल कंप्लीट किया जाए। आपको बता दो 6 लेन ऊपर मिलेंगे और 6 लेन नीचे को मिलेंगे देखने के लिए, लोकल ट्रैफिक के लिए नीचे मिलेंगे, और जो दिल्ली और जो दिल्ली के इसमें क्या नाम है हरियाणा, और ये आपके पुरानी दिल्ली में जो नई दिल्ली जाने वाले हैं हरियाणा गुरुग्राम के लिए जाने वाले लोगों के लिए दोस्तों, इनमें ऊपर एक्सप्रेस वे की ऊपर एलिवेटेड सेक्शन में चढ़ना पड़ेगा, और जो लोकल ट्रैफिक के लिए वो नीचे रहेगा। तस्वीरें देख सकते हो दोस्तों। तो आप लोग बताना कि ऐसे ही वीडियोस केपी संत अपने चैनल पर लाता रहता है, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कॉमेंट करके बताओ केपी संत को वीडियो कैसा लगा आप सभी को। तो चलिए एंजॉय कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों।
इधर देख सकते हो ये पियर कैप कुछ अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हो। दोनों को जोड़ने के बाद में फिर इन पे मतलब कि ये सरिये लगाए जाएंगे कुछ इस तरीके से, देखो ये लगाए जा रहे हैं ना इसी तरीके से। तो इसमें दो तरीके के पियर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग बताना क्या इसमें पियर कैप का दोनों तरीके से बनाया जाना है, कौन सा तरीका अच्छा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और ये हम वहाँ चल रहे हैं अभी खेकड़ा गांव के अंदर दोस्तों, और खेकड़ा गांव में ही इसमें दो तरीके से पियर कैप बनाने का काम चल रहा है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। तो कुछ पियर कैप में देखो बिंग्स लगा के ऐड किया जाएगा जो पियर कैप बनाए जाएंगे। ये पियर कैप बन चुके हैं, इनके अंदर बिंग्स को ऐड किया जाएगा दोनों साइडों में, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और कुछ पियर कैप आपको बता दूँ पूरे ही पूरे बनाए जा रहे हैं लेफ्ट से और राइट तक, जो सरिये लगाए जाएंगे कुछ इस तरीके से बनाए जा रहे हैं, आप लोग को आगे देखने के लिए मिलेगा। देखो अब जो पियर कैप इस टाइप के बने हुए हैं उन पर देख सकते हो ये बिंग्स को ऐड किया जा रहा है। ये देख सकते हो किस तरीके से ये ऐड कर रहे हैं बिंग्स को, आप लोग अपनी नज़रों से देख सकते हो। तो आप लोग बताना क्या के पी संत के वीडियोस आप सभी को कैसे लगे दोस्तों। अच्छे लगे हों कमेंट करें, ख़राब लगे हों फिर भी कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ नीचे। देखो सेटरिंग ये लगी हुई है सेटरिंग, और ये पियर कैप बनाने के लिए तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चलना स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो पियर कैप बन जाने के बाद में दोस्तों इन पर गटर लॉन्चिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। या तो इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा ना तो अगली वीडियो में आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि इन पर गाटर लॉन्चिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जहाँ जहाँ ये पियर कैप बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, बिंग्स को ऐड कर दिया जा चुका है वहाँ पर, और बहुत तेज़ी के साथ में इस पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है दोस्तों, बहुत तेज़ी के साथ में जिसे कहते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को इन्जॉय करो। दोस्तों कुछ इस तरीके से ये देख सकते हो बिंग्स को ऐड किया जा रहा है। ये देखो ये दोनों पार्ट के बिंग्स हैं, देखो एक इस साइड में है एक उस साइड में है। अब ये जोड़ा जाएगा और इसमें ये सरिये डाले जाते हैं, इस साइड में ये सरिये डाले जाते हैं बिल्कुल वहाँ से वहाँ तक। कुछ इस तरीके से भी बनाए जा रहे हैं, ये बिंग्स को ऐड किया जा रहा है, कुछ ये पूरे के पूरे मतलब कि इस तरह से ऐसे करके इनका जाल बनाया जाता है, फिर उसमें कॉन्क्रीट भरा जाता है। तो मतलब कि ये दो तीन तरीके से इसमें पियर कैप लगाए जा रहे हैं, देख सकते हो ये बिंग्स को ऐड किया जा रहा है कुछ इस तरीके से। ये है नज़ारा यहाँ का दोस्तों, ये देखो इस तरीके से ये बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तस्वीरें देख सकते हो आप अपनी आंखों से, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से चलते हैं आप लोगों को दिखाते हुए, और चलेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल को दिखाएंगे चल के आप सभी को कि ईस्टर्न पेरिफेरल की साइड में क्या कुछ वर्क चल रहा है अभी तेज़ी के साथ में, वो भी आपको रैंप देखने के लिए मिलेगा। और भी रैंप पे कितना कुछ वर्क हो चुका है वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो देखते रहो ऐसे ही वीडियोस के पी संत के चैनल पर तेज़ी के साथ में। यहाँ पर पियर कैप के जो बिंग्स हैं उनको ऐड किया जा रहा है, देख सकते हो ये यहाँ से सेटरिंग उतारी जा रही है और इधर आगे लगाई जाएगी। तो आप लोग इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, देख सकते हो। क्योंकि आपको बता दूं कि तो दोस्तों अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, और वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के पी संत के चैनल पर, के पी संत लाता रहता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।